Hello everyone, welcome to Shruti Academy. Can you find out the square root of any number in just 3 seconds? Yes, in just 3 seconds. No, don't worry, because today we are going to learn an amazing shortcut trick to find out the square root of any number in just 3 seconds. Okay, let the magic begin now. Now, to find out square root of any number in just few seconds, then you have to memorize the squares of the numbers from 1 to 9. Yes, from the numbers 1 to 9 squares. अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर को 2 times मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 1 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1. इसी तरीके से आप देखिए, अगर हम 2 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4. सो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4. 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9. 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16. 5 का स्क्वायर हो गया, 25. 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36. 7 का स्क्वायर हो गया, 49. एंड 8 जा 64. 9 जा 81. अब हम इनकी क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट. जो इन नंबर्स का हमने स्क्वायर किया, जो उसमें लास्ट डिजिट आई है, हम वो जो है अब लिखेंगे. लाइक 1 नंबर का जो हमने स्क्वायर किया तो लास्ट डिजिट क्या है, 1 ही. सिंगल ही डिजिट है उसमें. ऐसी 2 की में लास्ट डिजिट होगी 4, 3 में लास्ट डिजिट होगी 9, 4 में लास्ट डिजिट क्या है, 6, 5 में 5, 6 में लास्ट डिजिट क्या है, 6, उसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है, 6, ऐसी इसमें 9, 4 एंड 1. सो आपको क्या करना है, 1 to 9 नंबर्स का जो है स्क्वायर्स, उसको जो है मेमोराइज करना है, और जिनकी लास्ट डिजिट है उसको भी जो है मेमोराइज करना है. ओके, अब हमें जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 576 का. ओके, अब इस 576 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है. तो ऐसा कौन से नंबर है जिनके स्क्वायर्स में लास्ट डिजिट क्या है, 6 है. सो एक यहां पे 6 है और एक यहां पे 6 है. सो ये 6 स्क्वायर, ये जो लास्ट डिजिट है 6 और यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 6 है, ये किन किन नंबर के स्क्वायर्स हैं, 4 and 6. सो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 and 6. और हम जो स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, स्क्वायर्स, हमने इन नंबर्स का स्क्वायर्स फाइंड आउट किया, तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, 2 digits कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या लिखा, 4 या फिर 6. अब है यहाँ पे जो नंबर बचा है वो है 5. सो अब हमें जो है स्क्वायर्स में ढूंढना है कि 5 जो है किन नंबर्स के बीच में जो आ रहा है, तो ये 4 and 9 के बीच में आएगा. सो जो 9 है वो 5 से क्या है, ग्रेटर है, और 4 क्या है, इससे स्मॉलर है. सो जो नंबर इससे स्मॉलर है उसका हमें जो है नंबर फाइंड आउट करना है. लाइक 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का, तो हम क्या लिख देंगे, 2. ओके, अब 2 के साथ 4 आएगा या 6, अब हम इसका कैसे पता लगाएं, तो हम क्या करेंगे, 2 को जो है उसके जो नेक्स्ट नंबर है, 2 के बाद क्या आता है, 3, उससे हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 3 हो गया 6, और जो हमारे पास नंबर है 5, ये जो 5 है ये इससे क्या है, छोटा है, 6 से छोटा है ना. जो 5 है वो क्या है, 6 से छोटा है. 6 क्या है, ग्रेटर नंबर है, 5 क्या है, स्मॉलर नंबर है. तो अगर 5 स्मॉलर है तो इसलिए हम जो है 4 या 6 में से 4 जो स्मॉलर नंबर है वो लेंगे. सो 576 किसका स्क्वायर है, 24. इसका स्क्वायर रूट क्या है, 24. सो 576 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 24. मींस कि अगर हम जो है 24 को 2 times अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 576. ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, इसके बाद आपको जो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 1. अब ऐसे कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट 1 है, एक तो हो गया 1 यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है 1. सो नंबर्स हो गए 1 या फिर 9. सो हमने लिखा यहाँ पे 1 या फिर 9. अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 2 digits कट कर देंगे. अब यहाँ पे बचा 9,
अब 9 किसका स्क्वायर है? ये तो एग्जैक्ट नंबर आ गया, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का. सो हमने लिख दिया यहाँ पे 3. अब 3 के साथ 1 आएगा या 9, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट नंबर क्या है, 4, उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 4 जा हो गया 12. 3 4 जा क्या हो गया, 12. अब जो मेरे पास नंबर है 9, वो क्या है, स्मॉलर है 12 से, है ना, क्योंकि 12 क्या है, बड़ा है, और 9 क्या है, स्मॉलर है. तो ये स्मॉलर है, तो इट मींस जो हमारे पास 1 या 9 में से स्मॉलर है 1, वो हम जो है लेंगे. सो ये आ गया हमारे पास 31. सो 961 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 31. मींस 31 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 961. अब इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर का देखते हैं, 225 का हमें जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 5. अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 5 है, ये 5. सो यहाँ पे आ गया 5. अब 5 हमने लिखा और 2 डिजिट्स हमने कर दी कैंसिल. अब 2. अब 2 किसके बीच में आता है, 1 या 4 के बीच में. सो 4 तो इससे ज्यादा हो गया, 1 इससे कम हो गया. 1 किसका स्क्वायर है, 1 का. सो 1. सो हमारा आंसर कितना आ गया, 15. की 15 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 225. या 225 का स्क्वायर रूट क्या है, 15. या फिर 15 नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 225. ओके, नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 784. तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4. सो ऐसा कौन से नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है, 4 है. सो एक ये रहा 4 और एक ये रहा 4. सो नंबर्स क्या है, 2 या फिर 8. सो इसकी जगह मैंने लिखा 2 या फिर 8. ओके, अब 2 डिजिट्स हम जो है कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट. सो अब यहाँ पे है 7. अब 7 किसके बीच में आता है, 4 एंड 9 के बीच में. सो इससे स्मॉलर क्या है, 4. सो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. सो हमारे पास आ गया 2. अब 2 के साथ 2 आएगा या फिर 8 आएगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2, और इसे नेक्स्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 3 हो गया 6. अब ये जो 7 है, ये 6 से क्या है, बड़ा है. जो 7 है वो क्या है, ग्रेटर है ना 6 से. सो इसलिए हम 2 एंड 8 में से कौन सा नंबर लेंगे, 8, जो ग्रेटर. अगर यहाँ पे जो नंबर है ये 7 की जगह, यहाँ पे जो नंबर अगर स्मॉलर होता तो हम स्मॉलर नंबर लेते, यहाँ पे अगर ग्रेटर होता तो ग्रेटर नंबर लेते. जो 2 इंटू 3 करके 6 आया, तो 7 क्या है, उससे ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर नंबर लेंगे, 20 है. तो 784 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 28. मीन्स 28 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 784. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 5329. सो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 9 है. अब 9 कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे. सो नंबर्स क्या हो गए, 3 एंड 7, 3 या फिर 7. अब लास्ट के 2 डिजिट्स हम कैंसिल कर देंगे. अब जो 53 जो नंबर हमारे पास बचा, अभी किसके बीच में आता है, 49 एंड 64 में, और इससे स्मॉलर क्या है, 49 है. और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का. तो अब 7 के साथ जो है 3 आएगा या 7 आएगा, इसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को उसे नेक्स्ट नंबर क्या है, 8. तो 7 8 का कितना हो गया, 56. सो अब जो हमारे पास नंबर बचा था 53, सो 53 एंड 56, जो 56 है वो क्या है, बड़ा नंबर है. 53 क्या है, स्मॉलर नंबर है. तो इसलिए हम जो है स्मॉलर वाला जो नंबर है उस वो जो है लिखेंगे. तो मींस कि 73 क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया किसका, 5329 का, जिसको अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5329. ओके, सो इस तरीके से हम जो है किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में. ओके, hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like and share my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.